कोरोना के कहर के चलते पंजाब सरकार द्वारा लॉकडाउन का वक्त 31 मई तक बढ़ा दिया गया। इसी के चलते पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह की तरफ से भी पंजाब के गांवों को अलर्ट किया गया। इसी के चलते बरनाला के गांव मलिया की पंचायत द्वारा पहरा लगाना शुरू हो चुका है। गांव की पंचायत और गाँव वासियों की तरफ से गाँव के चारों तरफ नाकाबंदी की गई है और हर आने जाने वाले गाड़ी को चेक किया जा रहा है। मोटरसाइकिल कार का नंबर नोट किए जा रहे हैं, मोबाइल नंबर तक नोट किए जा रहे हैं। हाँ जी, जिहड़ी कोरोना महामारी आई हुण पिंडां विच वध रही है जी, मौत दर भी बहुत ज़्यादा होगी पिंडां च। जो पंजाब सरकार दीआं गाइडलाइनां अनुसार पिंडां विच ठीकरी पहरे भी लगा रखे आ, ते अपना जो धर्मशाला सांझियां थावां सीगियां उन्हां ते बैठण ते पाबंदी रख दित्ती इकट्ठ ते, ते मास्कां जरूरी कर दित्ता पिंड अपना। हर आउण जाण वाले नूं पिंड चों चैक कीता जा रिहा वी कौण पिंड दे किहदे रिश्तेदार आ रिहा ते कौण जा रिहा पिंड विच, नोट कीता जा रिहा जी भी जो गड्डियां पिंड आ रही ने जा रही ने। हाँ जी, गुरद्वारा साहब अनाउंसमेंट की गई है भी वो तो वह अपने कोरोना महामारी तो सुरक्षित रहने मास्क जरूरी तो कट्ठा पाबंदी करती। हाँ, पुलिस प्रशासन वालों फुल सपोर्ट दी जा रही है जी, तो कल ही अपने साढ़े पखो कंजा चौंकी के इंचार्ज साढ़े नाल मीटिंग करके गए ने जी। हाँ जी, चेतावनी दे चुके हैं तो अपना पुलिस प्रशासन भी पिंड मुस्तैदी नाल गेड़ा गेड़ा दे रहा जी। पुलिस प्रशासन वालों पांच पिंड चौंकी के लगे तो पुलिस के पंचायतों के मोहतबर बंद सहयोग नाल असीं ठीकरी पहरे ला दिते गए हैं और सारे पिंडां दे विच आउण जाण वाली जिहड़ी एंट्री आ उन्हां ते पहरे दे दा। बाहरले बंदे नूं पिंड आउण तो पुछा जांदा वी बाला टाइम उहनूं वड़कण नहीं दित्ता जांदा, मास्क अति जरूरी करता, अगर जे फिर भी कोई मास्क नहीं पहनता तो उहनूं प्रेम नाल समझाया जाऊगा, उस तों बाद कार्रवाई कीती काफ़ी हद तक इहदे नाल। देश दुनिया की खबरों के लिए ANB न्यूज़ को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।